आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। और हमारे यहाँ पर डायग्राम दे रखा है जिसमें एक वृत्त दे रखा है, उसके परिगत ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह सम चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिया गया है, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी, बराबर होगी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। तो ये हमारे पास दो रिलेशन होंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज। अगर समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि यह सम चतुर्भुज है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिद्ध करना है कि यह ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। तो हमें सम चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए चारों भुजाओं को बराबर करना पड़ेगा। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बिंदु ए है, इससे हमारे पास वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, पी और एस, ए पी और ए एस। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। हमारे पास ए बाह्य बिंदु है, बी बाह्य बिंदु है, सी बाह्य बिंदु और डी बाह्य बिंदु। तो ए से दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है, एपी एएस बराबर होगी, बी से बीपी बीक्यू बराबर होगी, इसी प्रकार सी से सीक्यू और सीआर बराबर होगी और डी से डीआर और डीएस बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बस क्या हो जाएगा, एपी बराबर एएस, यहाँ पे मैं लिखूंगा एपी बराबर एएस। ये हमारे पास हो जाएगी समीकरण नंबर एक, जिसमें हमारे पास ए क्या है, बाह्य बिंदु है। इसी प्रकार हमारे पास बी से खींचेंगे बीपी और बीक्यू, तो बीपी और बीक्यू बराबर होगी, तो बीपी बराबर बीक्यू। यहाँ पे हमारे पास बी जो है वो क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु। इसी प्रकार मैं सी से खींचूंगा, तो सी से हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आर सी क्यू, तो सी आर बराबर सी क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास ये समीकरण तीसरी हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे सी क्या है, बाह्य बिंदु। और इसी प्रकार मैं डी से खींचूंगा, तो हमारे पास हो जाएगी डी आर बराबर डी एस, तो डी आर बराबर डी एस। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर चार, और यहाँ पे हमारे पास डी है वो क्या है, बाह्य बिंदु। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास समीकरण एक दो तीन व चार को मैं जोड़ दूंगा, तो समीकरण एक दो तीन एवं चार को जोड़ने पर, तो समीकरण एक दो तीन चार को मैं जोड़ूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर बराबर एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डी एस।
तो अब हमारे पास AP प्लस BP क्या हो जाएगा, P है वो AB का मध्य बिंदु है, आप डायग्राम में दे सकते हो, P AB का मतलब मध्य बिंदु नहीं है, बीच में स्थित है। इसी प्रकार Q है वो B और C के बीच में स्थित है, C है और R है वो C और D के बीच में स्थित है, और S है वो A और D के बीच में स्थित है। तो मैं यहाँ पे AB को क्या लिख सकता हूँ, AP प्लस PB, AB की जो लंबाई होगी वो AP प्लस PB होगी। इसी प्रकार BQ प्लस QC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा AB प्लस BP को मैं लिख सकता हूँ AB। इसी प्रकार CRDR को मैं लिख सकता हूँ CD। यहाँ पे AS और DS को मैं लिख सकता हूँ AD, और BQ और CQ को लिख सकता हूँ मैं BC। अब हमारा ABCD क्या था, समांतर चतुर्भुज था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, तो AB बराबर CD था और BC बराबर, हमारे पास AB बराबर तो CD था और हमारे पास जो BC था वो हमारे बराबर था AD के। तो AB बराबर CD, तो यहाँ पे AB बराबर CD हो जाएगा और BC बराबर AD हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, टू टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे AB प्लस CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AB। इसी प्रकार AD प्लस BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AD। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, टू टाइम्स। तो ये हो जाएगा टू टाइम्स AB बराबर टू टाइम्स AD। तो इसको आगे सॉल्व करूंगा तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AD, AB बराबर AD। अगर इसी प्रकार मैं यहाँ पर AB की जगह मैं CD लिखता और यहाँ पे AD की जगह मैं BC लिखता, तो CD बराबर क्या हो जाता, BC। तो हमारे पास क्या हो जाता, AB बराबर AD। इसी प्रकार हमारे पास क्या आ सकता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसी प्रकार AB बराबर AD तो हो गया, CD बराबर BC। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारे पास चारों भुजाएं आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा अतः वृत्त के परिगत एक समचतुर्भुज, अतः वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।